picture is a powerful weapon, possibly the strongest tool of communication. My only source of motivation is the desire to tell the human stories through the art of photography. अगर हम रिसेंट डेलिड्रॉइड्स की बात करें तो अगर हम गूगल सर्च करें तो देर आर हंड्रेड्स ऑफ आर्टिकल्स रिटन अबाउट इट, बट अगर कोई कहे कि उनमें से दो ऐसे आर्टिकल्स चूज करने के लिए कि जो एंटायर दंगों की कहानी को बता सके, थोड़ा मुश्किल होगा. बट अगर सेम चीज हम पिक्चर वाले पार्ट में देखें तो सभी को रॉयटर्स की एक पिक्चर याद होगी जिसमें कि एक आदमी सड़क पे लेटा हुआ, कुछ फ्रिंज एलिमेंट्स उसको मार रहे हैं. तो दैट पिक्चर शोज द entire story of the riots. In 2015, I along with my colleague did a story about Saffron Army. ये दिल्ली से लगा हुआ एरिया था, गाजियाबाद और मेरठ का एरिया, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश का एरिया. वहां पर स्टोरी ये थी कि कैसे राइट विंग जो लोग हैं, राइट विंग आइडियोलॉजी के कुछ हार्ड लाइनर्स जो लोग थे, वो कैसे 8 साल के बच्चे से लेके और बड़े लोगों तक को वो कैसे आर्म्स की ट्रेनिंग दे रहे थे और उनको लड़ने के लिए तैयार कर रहे थे. जब वो इश्यू पब्लिश हुआ उसके बाद वो स्टोरी सभी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन ने कैरी की कि कैसे उत्तर प्रदेश में वेस्ट यूपी में ये इस तरह से आर्म्स की ट्रेनिंग खुलेआम चल रही है. और उस समय उन लोगों ने कहा भी कि नहीं, अगर हम उस पर्टिकुलर मैगजीन के ऊपर, उन रिपोर्टर्स के ऊपर, फोटोग्राफर्स के ऊपर हम लोग डिफेमेशन फाइल शूट करेंगे. बट ऐसा कुछ नहीं हुआ क्योंकि उन्हें मालूम था कि ये सब कुछ उन्होंने ही किया है और हमारे पास एक वो सारे प्रूफ्स हमारे पास थे. जो आपकी इमीडिएट आइडेंटिटी है, आपकी कास्ट, आपका रिलीजन, वो आपके बेसिक राइट्स के प्रिविलेजेस और डिनाइल को तय करता है. तो ऐसे में पॉलिटिकल रहना असंभव है. आप क्या पहनेंगे, आप क्या खाएंगे, जिस देश में ये सारी चीजें डिफरेंट लेयर ऑफ पॉलिटिक्स के थ्रू तय होती हैं, वहां तो कोई कैसे पॉलिटिकल रह सकता है.